अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो, ये हमारा जो कुमिस जनरेटर है इसके ATS है, उसमें कोई फॉल्ट है हमारा, उसके बारे में है। आज हमारी हेल्प जो कर रहे हैं शाब भाई कर रहे हैं। तो ये हमारा जनरेटर रूम है, इसका जो ATS है ये इसका अपना बिल्टन है, यानी इसमें कोई हमारे ECB वगैरह यूज़ नहीं होते हैं। ये देख लें आप, 938 KVA का है, 860 ये हमारा जो स्टैंड बाय हो ये हमारा प्राइम में करेगा, 750 किलोवाट तक है। ये 440 का है, 380 हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली इसका जो ATS सिस्टम है ये अपना बिल्टन इसके साथ आता है। इसमें हमारे पास एक मोटर लगा होता है यहाँ पे, वो मोटर क्या करता है, इस लीवर को न्यूट्रल ऑन ऑफ करता है। इसमें टोटल तीन मोड हैं, एक ये न्यूट्रल हो जाता है, दूसरा जैसे हमारे आपने देखे होंगे जो पुराने हमारे डिस्कनेक्टर स्विच होते थे उस टाइप के, जो हमारे ATS हैं, ATS का जो कंट्रोल है, या हमारे आपने पहले देखा होगा जो डिस्कनेक्टर टाइप के जो मैनुअल ट्रांसफर स्विच थे जिसको हम हाथ से आगे पीछे करते थे, तो उस टाइप का ये है। इसमें ये है कि इन्होंने यहाँ पे इसके साथ एक मोटर लगा दी है, ये देखें ऑटोमेटिक ट्रांसफर स्विच। इसका मोटर के क्या करना है, इसको ऑन ऑफ करना है। इसमें फिर एक मैनुअल मोड भी है, वो भी आपको दिखाते हैं, अगर हमारा ऑटो सिस्टम काम ना करे तो हमारा मैनुअल सिस्टम किस तरह काम करेगा। तो आज हम आपके साथ इसकी कंप्लीट वायरिंग शेयर करेंगे कि इसकी वायरिंग किस तरह करेंगे, और ये इसका कंट्रोलर है। एक्चुअली कंट्रोलर इसमें क्या है, हमारा टेस्ट मोड है, ओवरराइड मोड है, और सेल्फ एक्सरसाइज है। पर ये कंट्रोलर अभी काम नहीं कर रहा, हम इसका जो भी कर रहे हैं, तो ये देखें इसका हम पुश कर रहे हैं पर ये काम नहीं कर रहा। इसका अभी कोटेशन आया हुआ है, तो इसमें हम अभी मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन में हमने क्या करना है, हमने सिर्फ दो तीन रिले लगा के इसको ऑटोमेटिक करना है, क्योंकि कंट्रोलर काम नहीं कर रहा, इसका जो कोटेशन वो भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी शुरू करते हैं इसकी कम्प्लीट वायरिंग। ये वायरिंग मैंने बहुत देखा है, पर ये हम इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम होगी और आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ होगी। इसमें हम इसी कंट्रोल वायरिंग को आपके साथ शेयर करेंगे। तो शाह भाई आप ज़रा इसको होल्ड कर लें। तो शुरू करते हैं आप इसकी वायरिंग, जो मॉड्यूल की वायरिंग है। मॉड्यूल में हमारे पास तीन ऑप्शन हैं, ये हमारा वोल्टेज सेंसिंग के लिए है, इनकमर के लिए, जनरेटर के लिए। जनरेटर से सिर्फ फेज और न्यूट्रल को सेंस करेगा, इनकमर से तीनों फेजों को और न्यूट्रल को सेंस करेगा। ये हमारे जो P4 है, P4 हमारा क्या करेगा, हमारा जनरेटर के जो एग्जैक्टली जैसे हमने इसके साथ कुछ और चीज़ें लगानी है, लेट्स सपोज के एक्सटर्नल क्लॉक लगाना है, या हमने ट्रांसफर को इंटरलॉक कराना है, ये सिर्फ इंटरलॉक के लिए यूज़ होगी। P5 जो है सबसे अहम काम इसका है, इसने क्या करना है, इसने चेंज ओवर करना है और जनरेटर को ऑटो स्टार्ट करना है। ओके, तो अब यहाँ पे देखें, दिखाते हैं आपको किस तरह इसकी वायरिंग होती है। L1, L2, L3 न्यूट्रल, न्यूट्रल सारा सीधा P3 में। मैंने आपको क्या बोला था, P3 में। देखें P3 में 5 नंबर है, 5 नंबर जो है वो हमारा न्यूट्रल है। ओके, अब देखें FM1, हमने एक फ्यूज लगा दिया, उस फ्यूज़ का भी क्या कमाल है, उस फ्यूज़ का ये कमाल है, अगर कोई हमारे कंट्रोल में कोई फॉल्ट आता है तो फ्यूज़ क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो देखें L1 हमारा गया किधर, सीधा P311 में, ये देखें P311 में, ये हमारा एक फेज़ हो गया, दूसरा फेज़ हो गया, तीसरा, इस तरह हमारे दो फेज, तीन फेज, एक न्यूट्रल और एक न्यूट्रल और एक फेज हमारा हो गया जनरेटर के साइड से। ओके, तो ये हमारा गया मॉड्यूल का ये साइड। अब देखें जब आप देखें तो इसने क्या करना होता है, जैसे ही हमारा पावर एनर्जाइज हो जाए, तो ये देखें इसमें हमने एक और फ्यूज़ लगाया हुआ है, हमने क्या किया, यहाँ से एक बाईपास वायर लिया हुआ है, तो वो क्या करता है, वो सीधा ही जनरेटर को, जो हमारा जनरेटर का सोर्स है, देखें आप देखें ये 220 पे, जितना भी कंट्रोल है ये सब 220 पे काम करता है। रिले हमारे 24 वोल्ट है, उसके अंदर जो कॉइल हैं वो क्या है हमारे 220 हैं। तो क्या देखें, सीधा उसने क्या कर दिया, जो हमारा जनरेटर है उसके सोर्स को ओपन कर दिया, देखिए ओपन सोर्स 2। ओके,
और उसके साथ ही क्या कर दिया, ये देखिए क्लोज, ये देखिए आप देखें लूप लगे हुए हैं, देखें लूप लगे हुए हैं, उसने क्या कर दिया सोर्स वन को क्लोज कर दिया, इनकमर टू को ओपन कर दिया, इनकमर टू हो गया, यह हमारा जनरेटर, उसने उसको ओपन कर दिया। ये है इसका बेसिकली फंक्शन। अब इसके बाद ये तो हो गए, अब देखें जब जनरेटर, जब ये पावर ऑफ हो जाएगा तो जनरेटर से ये देखें दो वायर आप देख रहे हैं, इसमें भी फ्यूज लगे, फ्यूज अभी आपको दिखाते हैं स्क्रीन पे भी, ये देखें पी, मैं आपको बोला था पी थ्री में और पी वन, पी थ्री के तीन नंबर में एक नंबर में, ये देखें तो उसमें से भी देखें हमारे पास दो ब्रांचेज निकली हुई हैं, दो ब्रांचेज निकली हुई हैं, वो देखें उसने क्या करना होता है, इनकमर को जैसे जनरेटर ऑन हो जाएगा पावर एनर्जाइज हो जाएगा, इनकमर टू को क्लोज कर देना है, इनकमर वन को ओपन कर देना है, ओके। तो ये होता है इसका सिस्टम। ये कंट्रोल सारा क्या होता है, ये सारा कंट्रोल 220 पे काम करता है। मगर अभी सवाल एक और होता है, अगर कंट्रोल सारा 220 पे काम कर रहा है तो सारा कंट्रोल 220 का है तो मॉड्यूल किस चीज़ पे काम कर रहा है, नहीं मॉड्यूल हमारा 24 वोल्ट पे काम कर रहा है, 24 वोल्ट डीसी पे काम करता है, ओके। तो ये मॉड्यूल की एक साइड की वायरिंग होगी, अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ये देखें ये हमारा एक फ्यूज़ हो गया, दूसरा फ्यूज़, तीसरा फ्यूज़, ये हमारे सेम उसे जनरेटर के लिए, ये हमारा डीसी वोल्ट कंट्रोल के लिए हो गया, ओके। जैसे यहाँ पे दिखाएं, अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पे भी, ये देखें, ये देखें एफएम वन, एफएम टू, एफएम थ्री, ये देखें उसके बाद एफएम फोर, ओके, एफएस टू, ओके, ये देखें उसके बाद ये देखें एफबी, एफबी से मुराद हमारा ये जो है हमारा डीसी, जो डीसी का ब्रेकर है वो यहाँ पे लगा कंट्रोल के लिए, ओके। तो ये हो गया इसमें सिस्टम, ओके। अब कंट्रोलर का ये हिस्सा जो है ना, इसको हम P4 P5 बोलते हैं, ये क्या काम करेगा देखें, हमारा सीधा बैटरी की सप्लाई है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ओके। ये हमारे फ्यूज के थ्रू, ये देखें इसमें ये मैकेनिकल स्विच लगे हुए हैं, इसको हम एक्सिलरी स्विच भी बोलते हैं। ये मैकेनिकल स्विच क्या है, कहाँ पे लगे हुए हैं आपको दिखाते हैं, ये भी ये देखें सारे साइड पे, ये देखें आपको जो साइड पे नजर आ रहे हैं ऊपर का नजर, हाँ ये सारे मैकेनिकल स्विच लगे हुए हैं, ये देखें ये लीवर के साथ प्रेस होते हैं, ये आप लीवर देख रहे हैं, इस लीवर के साथ ये काम करते हैं, लीवर अप होगा डाउन होगा इसके साथ ये काम करेंगे, ओके। तो देखें सिंपल फेज हमारा पॉजिटिव, ओके, P5 के 9 नंबर में जाएगा पॉजिटिव कंट्रोल के लिए सारा, ओके। नेगेटिव हमारा सीधा क्या होगा P8 में होगा, तो P8 और P9 ये क्या हो गया, ये हमारे कंट्रोलर की पावर सप्लाई हो गई, ओके ओके। उसके बाद ये सब एक्सटर्नली होते हैं, ओके, ये हम ऊपर से नहीं दे सकते। तो क्या होगा जब हमारा सोर्स नहीं होगा, ओके, तो क्या होगा हमारे P2 में पावर आ जाएगा, ये देखिए P5 के 2 नंबर, ये देखें ये हमारा जो P5 के 2 नंबर है इसमें पावर आ जाएगा। उसके साथ क्या होगा, जब उसमें पावर आ जाएगा उसके साथ क्या होगा, उसके साथ ये रिले जो हमारा है ना K2 ये क्या करेगा सोर्स वन, ओके, सोर्स वन को क्या, ये हमारा जो क्लोजिंग है सोर्स वन का ये ऑन हो जाएगा। जब हमारा P5 में पावर आएगा तो क्या होगा क्लोजिंग सोर्स टू को करेगा, K1 के रिले क्या करेगा जब इसमें पावर आ जाएगी क्या करेगा ओपन करेगा सोर्स टू को, K1 और K4 इनका काम क्या है इनको ओपन करना, इनका काम क्या है क्लोज करना। अब ये रिले कहाँ पे लगी हुई है मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखें K1 और K4 इन दो रिलों ने क्या करना है इनकमर वन इनकमर टू को ओपन करना है, K2 और K3 ने क्या करना है इनकमर वन और जनरेटर को क्लोज करना है, ओके, ये बात याद रखें। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जो ATS के अंदर मोटर लगा हुआ है ना, एक मिनट पीछे, ये जो हमारे पास लगे हुए हैं इस, ये सब कंट्रोल जितना भी है 220 पे काम करता है, A1 A2 B1 B2 AT1 AT2 BT1 BT2 ये चीज़ें क्या हैं, तो अभी आपको दिखाते हैं कि इसमें एक्चुअली ये क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करते हैं, देखें अभी आपको दिखाते हैं,
ये देखिए AT1 AT2, ये क्या है, ओपन सोर्स। अब देखें अगर इन दोनों में पावर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सोर्स ओपन हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या है, A1 A2 ये है, तो जैसे इसमें पावर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। ओके, उसके बाद है क्या, B1 B2, ये देखें क्लोज, सोर्स टू को क्लोज करता है। ओके, ये सोर्स वन है, ये सोर्स टू यानी जनरेटर का। ओके, उसके बाद क्या है हमारे पास, AT1 AT2, ये क्या है, ये ओपन करने के लिए, इनकमर को ओपन करने के लिए, मेन इनकमर को ओपन करने के लिए। ओके, उसके बाद क्या है, BT1 BT2, ये देखें BT1 BT2, ये क्या है, जनरेटर को सोर्स को ओपन करने के लिए। ओके, तो क्या होगा, जब इसमें पावर आएगा तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, जब उसमें पावर आ जाएगा तो यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के लिए सीक्वेंस क्या होगा, ये लीवर जो आपको नज़र आ रहा है, ये क्या होगा, न्यूट्रल होके दूसरी साइड पे चले जाएगा, फिर न्यूट्रल होके नीचे साइड पे चला जाएगा। ओके, अब यहाँ पे इसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिखा दूँ, ये देखें इंस्ट्रक्शन में क्या बता रहा है। ओके, ये देखें अभी आपको सही नज़र आ जाएगा, आप देख लें थोड़ा। इसमें क्या है, अगर आपने मैनुअली इसको ऑन करना है तो हमने सबसे पहले क्या करना होगा, इसको स्क्रू ड्राइवर से दबा देना। ओके, स्क्रू से दबा दें या किसी नुकली चीज़ से तो ये ट्रिप कर जाएगा। उसके बाद हमने सेलेक्ट करके, ये इसके अंदर शॉफ्ट है इसकी, ये देखने, ये हमने लगाना है, ये लीवर हमने इधर लगाना है। ठीक है, ज़रा दिखा दें शॉफ्ट बाई साइड से, ये लीवर हमने यहाँ पे फंसा देना है। ओके, ये देखिए ये लीवर इस तरह फंसा के अप एंड डाउन हमने फिर इसको सेलेक्ट करना होता है। ओके, ये होता है इसका मैनुअल मोड। ओके, अब जनरेटर का ऑटो स्टार्ट कहाँ पे है, अभी दिखाते हैं आपको। P5 के 6 और 7 जब आपस में शॉर्ट होंगे, ओके, तो क्या हो जाएगा, जनरेटर हमारा ऑन हो जाएगा, ये बात याद रखें। ओके, जब ये आपस में शॉर्ट होगा तो क्या होगा, जनरेटर हमारा क्या हो जाएगा, रन का कमांड ले लेगा। ओके, आप इस बात को याद रखें। ओके, अगर अभी हम चेक करें तो P6 में पावर होगा, P7 में पावर नहीं होगा, क्यों, इसका जो इंटरनली रिले है वो ऑन नहीं हुआ। ओके, तो ये हो गया। अच्छा, इसके साथ मैंने आपको बोला था कि हमारा बैटरी चार्जर के लिए सप्लाई जा रही है, पर इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जब हम जनरेटर को ऑन करते हैं, वहाँ पे आपको जनरेटर में दिखाते हैं, हमारे पास ये वायर पे लगे हुए हैं, ये वायर, ये तो ये हमारे जो दो बैटरी हमने क्या किया आपस में जोड़ा ताकि उसकी पावर करें के लिए पावर ज़्यादा हो जाए। तो ये देखिए ये दो हमारे डीसी चार्जर से आए हुए हैं, और ये हमारा इसका अपना जो जनरेटर का बटन होता है डीसी जो बैटरी को चार्ज करने के लिए, तो वो भी लगा हुआ है। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये आपको डीसी चार्जर दिखाते हैं, ये हमारा डीसी चार्जर लगा हुआ है। ओके, तो अभी देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने इसका कनेक्शन इस तरह किया हुआ गलत है। जब जनरेटर चलता है तो भी बैटरी को चार्ज करता है, ओके, तो उसका अपना अल्टरनेटर भी चार्ज करता है और डीसी चार्जर भी इसको चार्ज करता है, तो इसमें क्या हो जाता है, इससे पहले ये बैटरियाँ फट गई हैं। तो अभी हमने इसका कनेक्शन चेंज कर दिया है, जैसे जनरेटर ऑन होगा तो इसका जो पावर है ये वाला, ये सॉकेट पावर, ये ऑफ हो जाएगा, इसमें हमने वहाँ पे रिले लगा दिए, जैसे जनरेटर का पावर ऑन हो जाएगा तो ये ऑफ हो जाएगा। ओके, तो जनरेटर का ऑन ऑफ हो गया, ये बैटरी चार्ज हो गया, ये देखें इसमें हम कुछ मोटर वगैरह या कुछ और चीज़ें भी इसके साथ लगा सकते हैं, या फ्यूल पम्प वगैरह जिस तरह भी हुआ ना, तो ये देखें ये हमारा एक हो गया। अब दिखाते हैं आपको दूसरा, जब देखें जब पावर नहीं होगा, ओके, जब पावर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये देखें ओपन सोर्स वन, जनरेटर जब जैसे ऑन होगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा जनरेटर का जो सोर्स है, सॉरी जो इनकमर का सोर्स है वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओके, तो इसका ये दूसरा मोड हो गया। तीसरे मोड में क्या करता है, तीसरे मोड में ये क्या करता है, ये देखें क्लोजिंग सोर्स टू, जनरेटर ऑन हो गया, इसने सोर्स टू को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, देखिए ये रिले को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ओके, फिर देखें चौथे मोड में क्या करता है, देखिए ओपन, जब पावर आ जाए बैक टू नॉर्मल, ओपन सोर्स टू। ओके, तो ये बेसिकली आज के आपके साथ ये सब कुछ शेयर करना था कि इसकी जो वायरिंग है हम किस तरह कर सकते हैं। बाकी इसमें
कुछ आपको अभी करीब से दिखा देते हैं। ये देखें, ये हमारा P3 है, ये हमारा P4 है, ये सिर्फ उससे इंटरलॉक के लिए होते हैं, जिसे हमने एक्सल स्विचेस के साथ इंटरलॉक बनाया हुआ है। ओके, इसे उसमें यूज़ होते हैं। मैनुअल तरीका भी आपको बता दिया, इसको रीडिंग भी आपको बता दिया। ये हमारे फ्यूज़ वगैरह, अब देखें इस रिले के अंदर जो पावर है, पावर ये रिले किस पे काम करती है, 24 वोल्ट DC पे काम करती है। ओके, पर इसके अंदर जो पावर क्रॉस होगा वो क्या होगा, 220 होगा, सब सेम इसी तरह है। ये हमारे पास एक्सटर्नल है, ये दो जो हमारे हैं, ये दो ये हमारे ऑटो स्टार्ट हैं, और ये दो जो हमारे ये बैटरी, ये पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। ओके, तो ये देखिए P5, एक मिनट, ये हाँ P5। ओके, तो आज की वीडियो में यही था कि हाँ, अब हम जिस दिन इसका मॉडिफिकेशन करेंगे तो फिर उस दिन आपके साथ इसकी वीडियो और भी शेयर करेंगे हम, ये सिस्टम को किस तरह अपने तरीके से ऑन कर सकते हैं। ओके, इसका मोटर भी हम खोलेंगे, वो भी चेक करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे इसका इंटरनली। इसमें जो बेसिकली मोटर होता है वो गियर की तरह होता है, एक तरफ पे रोटेट करता है न्यूट्रल होके, दूसरी तरफ पे रोटेट करता है। ओके, तो उसके बाद ये हमारा जो जनरेटर है, इसकी वायरिंग की डायग्राम भी हमारे पास है यहाँ पे। तो इसका कंप्लीट वायरिंग और कंट्रोलर में फिर ऑटो सिस्टम कहाँ से होता है, तो ये सब इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में इसका ऑन ऑफ और ऑटो ऑन ऑफ ये सब जो है वो हम आपको इंशाल्लाह शेयर करेंगे। रिक्वेस्ट है सेम, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें।